जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है तो इससे बढ़िया समय और क्या हो सकता है। और आज जब हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिवस मना रहे हैं तो इससे बढ़िया दिन और क्या हो सकता है देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए। पहली बात तो ये कि ये पाठ्यक्रम खाली देशभक्ति की बात नहीं करने वाला, ये जज्बा पैदा करेगा। दूसरी बात ये कि ये कोई मोरल प्रीचिंग का नहीं होगा, बल्कि इसमें हर बच्चा अपने दिल की तरफ देखेगा, अपने जज्बे की तरफ देखेगा। वो ये देखेगा कि कैसे भगत सिंह नाम का वो लड़का केवल 23 साल की उम्र में फांसी झूल गया। वो इस बात की भी तुलना करेगा कि 23 साल की उम्र होती क्या है। 23 साल की उम्र का मतलब है मेरे भैया जितनी उम्र। इतनी उम्र में एक आदमी फांसी पे झूल गया देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, क्या जज्बा रहा होगा। उस जज्बे को समझेगा, उस जज्बे पे चर्चा करेगा, उस जज्बे को अपने दिल में बिठाएगा। वो जज्बा हम अपनी छठी और सातवीं क्लास के बच्चों में लेके आएंगे। हर लड़की, हर लड़का, हर बच्चा ये महसूस करेगा कि ये तो मेरे जैसे ही थे, और जब मेरी उम्र में थे तो ये देश के लिए लड़ने निकले थे, और मुझसे थोड़ा सा बड़े होने के बाद में ये देश के लिए फांसी पे झूल गए। बच्चा इस बात का भी एहसास करेगा कि उस वक्त नदियों पर पुल नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी तात्या टोपे किस तरह से 20,000 सैनिकों के साथ चलते हुए महाराष्ट्र से झांसी पहुंच गए, कानपुर पहुंच गए। हर बच्चा ये महसूस करेगा कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उन लोगों ने लड़ाई लड़ी हमारे लिए, जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत कहलाते हैं। कौन लोग थे वो, कैसे लोग थे वो, इसी धरती पे थे, हमारे ही जैसे थे, हमसे ज्यादा खराब परिस्थितियों में लड़ रहे थे, हमसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में लड़ रहे थे, ये बात हर बच्चे के जहन में उतरेगी इस पाठ्यक्रम के दौरान। ये हमारी जिम्मेदारी। इस पाठ्यक्रम में हम हर साल 100 कहानियां शामिल करेंगे। हर बच्चे को हर साल 100 कहानियां पढ़ने को मिलेंगी, उसको हर साल 100 देशभक्तों की जिंदगी से बच्चा गुजरेगा। नर्सरी से लेकर 12वीं तक हर एक बच्चा कम से कम 700-800 कहानियां और 500-600 गीत कविताएं इन सब से होकर गुजरेगा, उससे जज्बे से होकर गुजरेगा। ये हमारी इसमें तैयारी है। और सबसे बड़ी चीज की इसमें एक्टिविटीज होंगी, ऐसी एक्टिविटीज होंगी कि वो अपनी सोच को, अपने काम को रोजाना देशभक्ति की तराजू पे तोल के देख सके, ये जो मैंने काम किया वो देशभक्ति की तराजू पे कहां खड़ा है। हर एक क्लास 5 मिनट के देशभक्ति ध्यान से शुरू। इस देशभक्ति ध्यान में बच्चे माइंडफुल मेडिटेशन करेंगे और भारत माता को अपने ध्यान में रख के देश के प्रति अपनी श्रद्धा अपने अंदर जागृत करेंगे, और रोजाना किन्हीं 5 देशभक्त नागरिकों के बारे में सोचेंगे और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करेंगे। ये सब इसके कुछ अंग हैं, कुछ इसकी एक्टिविटीज हैं, कुछ इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। आज मैं कहना चाहता हूं सर, वास्तव में देशभक्ति बहुत बड़ी चीज है। देशभक्ति पढ़ाना बहुत बड़ा काम है। शायद फिजिक्स पढ़ाना आसान हो जाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ाना आसान हो जाएगा, अंग्रेजी पढ़ाना आसान हो जाएगा, लेकिन देशभक्ति पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। एक अच्छा इंजीनियर निकाले या डॉक्टर निकाले, मैनेजर निकाले या वकील निकाले या पत्रकार निकाले, लेकिन हर बच्चे को कट्टर देशभक्त बना के निकालेंगे, ये जिम्मेदारी हम इस पाठ्यक्रम के साथ ले रहे हैं।